जैसा कि हमने अब तक पढ़ा कि किसे कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी, उसके बाद हमने पढ़ा कि मानव शरीर में दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड हैं, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड सिंपली आरएनए। हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं डीएनए के बारे में। तो डीएनए एक बड़ी स्ट्रक्चर है, उसमें तीन बेसिक चीज़ें हैं। एक डीएनए बड़ी स्ट्रक्चर, जिस धागे नुमा संरचना से मिलकर वो बनी हुई है उसका नाम है क्रोमोसोम्स। हम डीएनए और क्रोमोसोम उनकी स्ट्रक्चर आदि के बारे में पढ़ चुके हैं। अब डीएनए एक बड़ी स्ट्रक्चर है, हमने पढ़ दिया। क्रोमोसोम्स कैसे आपस में मिलते हैं, इनसे क्या चीज़ें आती हैं, क्या परिवर्तन होता है, वो सब पढ़ दिया। अब थर्ड पढ़ने वाले हैं हम क्या, जीन के बारे में। तो जीन क्या है, एक कुंडलीनुमा स्ट्रक्चर है डीएनए की, इस पूरे का नाम क्रोमोसोम्स है। कंप्लीटली क्या कहते हैं इसे, गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स। ये एक क्रोमोसोम्स, ये दूसरे क्रोमोसोम्स। जहाँ पे दो क्रोमोसोम्स आपस में मिलते हैं उसे कहते हैं सेंट्रीम्योर, और आपस में ये ऐसे बेस पेयर से जुड़े हुए होते हैं, बेस पेयर से ये आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं, जिनका निर्माण हमारे केंद्र के न्यूक्लियस में होता है, और इनकी छपाई या कोडिंग लगातार चलती रहती है। अब इसी डीएनए के एक लंबी स्ट्रक्चर का नाम क्रोमोसोम्स है, जिसके अलग अग पार्ट हैं, जिसकी फंक्शनल यूनिट या स्मॉलेस्ट जेनेटिक यूनिट इज नोन एज जीन, जिसकी सबसे छोटी जो आनुवंशिक इकाई है उसे जीन कहते हैं। इट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए एंड क्रोमोसोम्स, यही हमारी जो आनुवंशिक इकाई है उसकी कार्य करने वाली इकाई है। जैसे बॉडी में डीएनए तो हमारी पूरी में समान है, लेकिन आँखें कुछ और काम करती हैं, हार्ट कुछ और काम करता है, लीवर कुछ और काम करता है। डीएनए हर जगह समान है, लेकिन उसके काम करने के तरीके, उसके काम अलग अलग हैं। वो लीवर में, आँतों में, फेफड़ों में, हर जगह अलग अलग काम हैं। तो वो काम जो करता है उसका नाम जीन है। तो जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए और क्रोमोसोम्स। तो बहुत छोटे छोटे जीन से मिलकर क्या बना हुआ है, क्रोमोसोम। इन सब के इकट्ठे होने में क्या बनता है, डीएनए। तो अब जीन क्रोमोसोम्स का अलग अलग पार्ट हैं, इसके बारे में दो बात जाननी होती है कि एक तो इसकी पोजीशन क्या है और ये क्या काम करता है। तो हम जब भी जीन के बारे में पढ़ते हैं तो दो बातें पढ़ते हैं कि क्या इसकी पोजीशन है और क्या इसका काम है। जैसे हमारे इंसुलिन का निर्माण होता है हमारे पेनक्रियाज में, तो पेनक्रियाज में वो जीन कौन सा है जो इंसुलिन पैदा कर रहा है, एक तो पता करेंगे उसकी पोजीशन का और एक उसके फंक्शन का, एक कैसे पैदा कर रहा है इंसुलिन को, ताकि हमें डायबिटीज आदि रोगों से मुक्ति मिल सके। तो अब इस जीन के मेनली चार बड़े फंक्शन हैं। क्या फंक्शन है, रेप्लिका। जब भी सेल डिवीजन होगा, ये मेरी एक सेल चली जाए और दूसरी सेल यहीं पर आए, तो जब भी सेल डिवीजन होगा तो ये अपनी संख्या कैसे करते हैं, दुगुनी, यानी अपनी रेप्लिका लगातार बनाता रहे, रेप्लिकेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। तो जीन का एक बड़ा काम है क्या, कोशिकाओं में जो जेनेटिक मटेरियल है उसे दुगुना करना। दुगुना कब करना, जब ये क्या होगा, डिवाइड। अगला क्या है, जो भी आनुवंशिक सूचनाएं हैं उसे स्टोर रखना। सूचनाएं कैसी होती हैं कि हर सेल का फंक्शन काम उसे पता है और वो उसके अंदर स्टोर्ड है, तो उन्हें स्टोर रखना इन द फॉर्म ऑफ कोडोन्स, यानी ए जी सी तीन तीन ऐसे इस प्रकार की फॉर्म में सूचना यहाँ स्टोर है, यानी जो आनुवंशिक सूचनाएं हैं उन्हें स्टोर रखना ताकि वो आगने वाली पीढ़ियों में आगे जा सकती हों, अगली कोशिकाओं में जा सकती हों। तीसरा काम है क्या, एक्सप्रेशन। जो हमारे लक्षण हैं हमारे क्रोमोसोम्स या जीन के अनुसार वो करना प्रदर्शित। लीवर का फंक्शन क्या है वो दिखाना, आँख का फंक्शन क्या है वो दिखाना, तो एक्सप्रेशन यानी जो उसका काम है उसे प्रदर्शित करना। स्पेशल प्रोटीन बनवाना बालों में, केराटिन क्या, ट्रेट या लक्षण दिखाना अलग अलग अंगों में अलग अलग प्रकार से, और अपने आप को चेंज करते रहना, इसे कहते हैं म्यूटेशन। तो डीएनए में भी चेंज होता रहता है, अर्थात जीन में भी चेंज होता रहता है, इसे कहते हैं म्यूटेशन। तो एक बात पूरी हुई डीएनए, अभी पढ़ने वाले हैं हम क्या, आरएनए। कि डीएनए क्या है, एक बड़ी स्ट्रक्चर है जो क्रोमोसोम से मिलकर बनी हुई है, और इनकी जो स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट है वो कौन है, जीन, जिसके बारे में दो बात जानते हैं, पोजीशन और फंक्शन। और अब ये जीन चार तरह काम करता है, रेप्लिकेशन, जेनेटिक मटेरियल की जो इन्फॉर्मेशन है उसे स्टोर करना, एक्सप्रेशन अपने जो लक्षण उसे प्रदर्शित करना, और अपने आप में चेंज करना,
यानी म्यूटेशन करते रहना, जैसे कोरोना कर रहा है क्या, म्यूटेशंस। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं आरएनए। 99% डीएनए सब में समान होता है, केवल 1% डीएनए ही क्या है, अलग होता है। और डीएनए का बहुत सारा पार्ट जंक डीएनए भी होता है, जो कोई कार्य नहीं करता है, जंक डीएनए। जंक मतलब बेकार पड़ा हुआ डीएनए। दुनिया में लगभग 8 अरब के आसपास लोग हैं, 7.5 समथिंग के आसपास। इतने अरब लोगों में केवल 1% डीएनए ही कैसा है, भिन्न। और 99% कैसा डीएनए है, समान। अर्थात जो डीएनए अपने लक्षण आदि नहीं प्रदर्शित करता, कुछ कार्य नहीं करता, वो जंक डीएनए का पार्ट होता है। चलते हैं आगे, अब पढ़ते हैं आरएनए के बारे में, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब बढ़ते हैं आगे। हमने पढ़ा कि मानव शरीर के अंदर 2 प्रकार के मुख्य न्यूक्लिक एसिड हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए के बारे में हमने सब पढ़ा कि डीएनए एक बड़ी स्ट्रक्चर है जो क्रोमोसोम से मिलकर बनी हुई है, जिसके पार्ट्स को हम जीन कहते हैं। तो डीएनए, क्रोमोसोम्स और जीन, उनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं हम आरएनए के बारे में, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसमें भी पेंटोज शुगर प्लस फास्फेट और प्लस क्या, नाइट्रोजन बेस के अंदर 4 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। यानी डीएनए एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है और आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंड यानी एकल कुंडलित और ये द्विकुंडलित। ये केंद्रक में मिलता है डीएनए और ये साइटोप्लाज्म, अर्थात कोई कोशिका हो केंद्रक के अंदर तो डीएनए मिलेगा और बाहर कौन मिलेगा, जो लिक्विड भरा पड़ा है साइटोप्लाज्म, उसमें मिलेगा हमें आरएनए। ये भी शुगर सहित होता है, इसमें शुगर मिली हुई होती है कम मात्रा में बिना ऑक्सीजन की डीएनए में, डीऑक्सीराइबोज, और यहाँ राइबोज होती है ऑक्सीजन सहित शुगर। इसमें 4 प्रकार के होते हैं प्रोटीन, नाइट्रोजन बेस में डूबे हुए शुगर के साथ कंपाउंड, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल, यानी डिफरेंस दोनों में किसका है, डीएनए में मुख्य थायमिन है और आरएनए में मुख्य यूरेसिल है। अब मानव के शरीर में क्या भूमिका है आरएनए की, ये सिंगल स्टैंडर्ड है, एकल कुंडलित है, 4 प्रकार के प्रोटीन से बना हुआ है। इसमें भी पेंटोज शुगर प्लस फास्फेट प्लस नाइट्रोजन बेस में डूबे हुए 4 प्रोटीन हैं। अब क्या काम है और ये कैसे काम करता है, हमारी बॉडी को जरूरत है प्रोटीन की अपनी कोशिकाओं की मरम्मत के लिए, हमारी वृद्धि और विकास के लिए, शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के। तो मानव शरीर में 21 प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, यानी 2 प्रकार के मुख्य अमीनो अम्ल हैं जिनसे बनते हैं 21 प्रकार के प्रोटीन, 21 प्रकार ऑफ प्रोटीन्स। ऑल लाइफ फॉर्म नीड्स, यानी जितने भी प्रकार के जीवन धरती पर उपलब्ध हैं सबको 21 प्रकार के प्रोटीन ही पूर्ण रूप से पोषण देते हैं, जिनमें 9 तो ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो ह्यूमन नहीं बना सकता, यानी मानव शरीर इस प्रकार के प्रोटीन अपने आप नहीं बना सकता। जो 12 हैं 6 तो इसेंशियल हैं, जिन्हें शरीर सीमित मात्रा में बना लेगा, यानी कंट्रोल्ड वे सिंथेसाइज इट्सेल्फ, और 6 हैं नॉन इसेंशियल जिनकी हम व्यवस्था करते हैं अन्य स्रोतों से। तो 21 प्रकार के ऐसे अमीनो एसिड्स या प्रोटीन्स हैं, नो अमीनो एसिड्स जो हम मानव नहीं बना सकता, और 12 6 आवश्यक और 6 11 आवश्यक। अब क्या काम करता है इनमें आरएनए का, आरएनए का मेन काम है क्या है, प्रोटीन निर्माण करना और हमारी बॉडी की अलग अलग आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तो कैसे काम करता है, हमने एक सेल की एक बड़ी स्ट्रक्चर डिफाइन की है, जिस एक बड़ी कोशिका में हमने पहले क्या दिखाया है, केंद्रक, अर्थात एक कोशिका में केंद्रक है डीएनए। अब ये कैसे काम करेगा, डीएनए तो कहाँ है, केंद्रक के अंदर, कुंडलीनुमा स्ट्रक्चर इस प्रकार की डबल हेलिक्स। अब इसका एक मुख्य काम क्या है, प्रोटीन निर्माण में सहायता करना। और आरएनए कहाँ है, इस पूरे बिखरे हुए तरल पदार्थ के अंदर, जिसका नाम है साइटोप्लाज्म, जीव द्रव्य में। तो डीएनए होता है केंद्रक में और आरएनए होता है जीव द्रव्य में। आरएनए कैसी स्ट्रक्चर है, एक सिंगल स्टैंडर्ड यानी SS, सिंगल स्टैंडर्ड, एकल कुंडलित, कुंडलीनुमा है लेकिन केवल एक। और क्या काम है इसका, प्रोटीन निर्माण की सहायता करना। सारा राइबोसोम या
शुगर कहाँ है, इसी कोशिका द्रव्य में विद्यमान है। ये तो डी ऑक्सीराइबोज है, बिना ऑक्सीजन वाला शुगर, और यहाँ ऑक्सीजन रहित शुगर, ऑक्सीजन सहित शुगर है जीव द्रव्य के अंदर। तो आरएनए तीन प्रकार का है बेसिकली, एम आरएनए, आर आरएनए और टी आरएनए। तो जो एम आरएनए है यानी मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, तो ये मैसेज लेके आता है। डीएनए का एक बड़ा काम है प्रोटीन निर्माण में सहायता करना। तो जो डीएनए ने मैसेज दिया प्रोटीन निर्माण का कोड के रूप में, कोड के रूप में, वो कोड क्या है, इन प्रोटीन का अलग अलग कॉम्बिनेशंस, यानी जो ये प्रोटीन है ए जी टी सी, इनके जो अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं उनको कहाँ से आदेश आएंगे, अंदर से। तो डीएनए ने आदेश दिया प्रोटीन पैदा करवाने का आरएनए को, जो उस आदेश को लेकर आया उसका नाम है मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए कहाँ, डीएनए के साथ में अटैच होता है, जो आदेशों को लेकर आता है आरएनए के पास जीव द्रव्य में केंद्रक से, और इस प्रक्रिया का नाम है ट्रांसक्रिप्शन, यानी कोड में आते हैं ये आदेश, कि अंदर से कोड आया ए सी सी, सी जी सी, यू जी सी। तो हर कोड एक प्रकार के प्रोटीन या एक प्रकार के अमीनो अम्ल को रिप्रेजेंट करता है, जैसे बालों में हमें चाहिए केराटिन, जैसे अलग अलग ब्लड में चाहिए हीमोग्लोबिन। तो अलग अलग प्रकार के प्रोटीन निर्माण हो रहे हैं हमारी नीड्स के लिए, और निर्माण करने के लिए जो आदेश आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, डीएनए से। तो आदेश कहाँ आया, आरएनए के पास, इसकी एक कुंडली के ऊपर। अब तीन तीन की फॉर्म में आते हैं ये आदेश, जब ये तीनों आपस में मिल जाते हैं और एक कोड बनाते हैं, इस कोड को हम कहते हैं ट्रिपलेट कोडोन, ट्रिपलेट कोडोन। तो आरएनए क्या है, प्रोटीन निर्माण करता है, एमआरएनए उसका एक पार्ट है जो मैसेज लेके आता है डीएनए से वाया ट्रांसक्रिप्शन, यानी कोड के फॉर्म में, जो तीन तीन के रूप में होता है, जिसे कहते हैं ट्रिपलेट कोडोन। तो एमआरएनए एक मैसेंजर आरएनए है जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया के तहत डीएनए से आरएनए तक अनुलेखन के माध्यम से लेकर आता है आनुवांशिक सूचनाओं को, जो प्रोटीन निर्माण में सहायता करती है। ये एक अस्थायी अणु है, यानी आएगा और अपना काम खत्म करके खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद दूसरा है आर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल को हम कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, अर्थात जिनसे प्रोटीन निर्माण होता है, जिस पॉइंट पे प्रोटीन निर्माण होगा उसका नाम है आर आरएनए, अर्थात कोशिका का आरएनए में जो 80% एरिया है वो क्या है, 80% यही होता है आरएनए का, 80% आर आरएनए ही होता है। यानी यह प्रोटीन संश्लेषण करता है, इट सिंथेसाइज द प्रोटीन, सिंथेसाइज द प्रोटीन। अब वो प्रोटीन बनेगा इसके द्वारा, लेकिन उस प्रोटीन के लिए जो सामान हमने खा रखे, हमने ले लिया प्रोटीन के रूप में कोई अलग अलग भोजन पदार्थ, वो दाल हो, वो सोयाबीन हो, वो दूध हो या अन्य हो, तो उन खाद्य पदार्थों के माध्यम से जो ऊर्जा हमारे पास आई है उसे यहाँ लेकर आना जहाँ प्रोटीन निर्माण होगा। ये काम किसका है, ट्रांसफर आरएनए का। यानी क्या, प्रोटीन निर्माण स्थलों पर ऐसे खाद्य पदार्थों को लेके आना जिनका प्रोटीन निर्माण में उपयोग होगा, तो वो काम किसका है, ट्रांसफर आरएनए का। एम मैसेज लेके आना, मैसेज लेके आना, और जो खाद्य पदार्थ हमने खा रखे हैं उन्हें उस स्थान पर लेके आना जहाँ इनका निर्माण होगा। निर्माण करने वाले का नाम क्या है, आर आरएनए, जो करेगा प्रोटीन सिंथेसाइज, ये लाएगा मैसेज, ये बनाएगा प्रोटीन, ये लाएगा वो सामग्री जिससे प्रोटीन बनेगी, इसका नाम है ट्रांसफर आरएनए। ये सबसे कम होता है, सबसे छोटे वाला आरएनए होता है, स्मॉल आरएनए है टीआरएनए, और प्रोटीन को लेकर आता है कहाँ, उन स्थलों तक जहाँ उसका निर्माण होना है। तो एमआरएनए, आरएनए और टीआरएनए, ये तीन प्रकार के आरएनए होते हैं। अब जो हमने खाद्य पदार्थ खाए हैं वो सामग्री प्रोटीन के रूप में बदलनी है, तो उसे कहते हैं ट्रांसलेशन। जब कोड का अनुवाद हो जाएगा तो प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तो तीन फेज हैं इस प्रोटीन निर्माण के। पहला, एमआरएनए मैसेज लेके आया कोडोन के फॉर्म में, कहाँ, राइबोसोमल आरएनए के पास, जहाँ प्रोटीन बनना है, इसका काम है प्रोटीन निर्माण करना। अब जो खाद्य सामग्री हमने खाई है वो कहाँ आ जाएगी, वो आएगी राइबोसोमल आरएनए के पास, वाया ट्रांसलेट, अनुवाद होने के बाद इन कोडों के अनुसार,
कि अब हमें इस प्रोटीन की ज़रूरत है, तो कोड छपते रहेंगे और प्रोटीन पैदा होती जाएगी। आरएनए, तो आरएनए कौन है, एक प्रोटीन फैक्ट्री है। अब इन तीन के अलावा भी एमआरएनए, आरएनए और टीआरएनए, इनके अलावा भी दो प्रकार के और भी कैसे होते हैं आरएनए, जो कोडिंग, ये कोडिंग चल रही है जिससे प्रोटीन निर्माण हो रहा है, ऐसा आरएनए जो नॉन कोडिंग, जो प्रोटीन निर्माण में या कोडिंग में भाग नहीं लेता, उसे कहते हैं नॉन कोडिंग आरएनए, जो दो प्रकार का है, एमआईआरएनए और एसआईआरएनए, माइक्रो आरएनए यानी सूक्ष्म आरएनए और स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए। स्मॉल इंटरफेरेंस यानी हस्तक्षेप, कैसा हस्तक्षेप, यानी हमारे शरीर में ही विद्यमान होता है एमआईआरएनए, आरएनए का एक फॉर्म है जो कोडिंग करने में या प्रोटीन निर्माण में भूमिका नहीं निभाता, लेकिन जो मैसेज आ रहे हैं कहाँ से, डीएनए से आरएनए के पास प्रोटीन निर्माण के लिए, उस प्रक्रिया को तोड़ता है या उसमें गिरावट लेके आता है, ब्रेक डाउन द प्रोसेस ऑफ एमआरएनए और डिग्रेड द प्रोसेस ऑफ एमआरएनए। ये कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड, और ये क्या करता है, जीन के जो गतिविधियाँ हैं कि हमारा क्रोमोसोम या जीन या प्रोटीन कैसे काम करेगा, ये उसे प्रभावित करता है, माइक्रो आरएनए। ठीक, अब स्मॉल इंटरफेरेंस, ऐसे आरएनए जो वायरस से मिलते हैं, जैसे कोरोना वायरस से हमें एक आरएनए मिल गया है, वायरस आरएनए जो वायरस के टूटने से हमारी बॉडी में बनता है, इसका काम क्या है, जीन का मतलब है हमारा क्रोमोसोम्स या हमारा अनुवांशिक पदार्थ कैसे काम करेगा, उसके फंक्शन या कार्य क्या होंगे, लीवर में, आंतों में या किसी अन्य में, उसे साइलेंट या चुप कर देना या उस गतिविधि को कम करना, इसे कहते हैं जीन साइलेंसिंग। तो स्मॉल इंटरफेरेंस, इसने जीन की जो गतिविधि है उसमें स्मॉल हल्का हस्तक्षेप कर दिया है। ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, वायरस से, जैसे कोरोना वायरस से, कि हमारी बॉडी में फेफड़ों के अंदर क्या कोरोना वायरस ने इंटरफेरेंस पैदा कर दिया है और ऐसे बैक्टीरिया पैदा कर दिए हैं जो हमें फंगस लगा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी को डिग्रेड कर रहे हैं। ये कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड अणु वाला, इसमें होते हैं डबल स्टैंडर्ड, इसमें होते हैं सिंगल। तो हमने जाना आरएनए क्या है, आरएनए भी शर्करा फास्फेट के साथ मिले हुए केमिकल बाउंडिंग में कौन है, नाइट्रोजन बेस, जो दो प्रकार के हैं, कैसे, सिंगल स्टैंड में हैं, सुगर राइबोस बेस से युक्त, ये नॉन जेनेटिक मटेरियल है जो जीव द्रव्य में होता है, और इसमें चार प्रोटीन है, ए जी सी या यू, जबकि डीएनए कहाँ होता है, केंद्रक में, डबल हेलिक्स होता है। सुगर किस फॉर्म की होती है, इसमें डीऑक्सीराइबोज, इसमें भी चार प्रोटीन होते हैं, ये भी कहाँ होते हैं, पेंटोज शुगर और फास्फेट के साथ मिक्स। ये स्ट्रक्चर दिखा रही है, क्या काम है आरएनए का, तो डीएनए का काम है प्रोटीन निर्माण में सहायता करना और वो आदेश जारी करना, उन आदेश को लेकर जाएगा एमआरएनए कहाँ, उन स्थलों पर जहाँ प्रोटीन निर्माण होगा, जिसका नाम है आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, इसे राइबोसोम या प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। ये आदेश कोड के रूप में जाएंगे तीन तीन की फॉर्म में, जिसे कहते हैं ट्रिपलेट कोडोन। अब खाद्य पदार्थ जो हमने खा रखे हैं उनमें से आवश्यक न्यूट्रिएंट को वहाँ लेकर आना जहाँ प्रोटीन निर्माण होगा, ये काम करता है टी आरएनए। सबसे बड़ा आरएनए होता है आरएनए, जहाँ राइबोसोम प्रोटीन निर्माण करते हैं, और टी आरएनए जो कोड आया उसे करेगा ट्रांसलेट, और कहाँ आवश्यक सामग्री यहाँ हो जाएगा, जिसका निर्माण किसका हो जाएगा, प्रोटीन का। तो इसका आरएनए का मुख्य काम क्या है, प्रोटीन निर्माण करना। एक ऐसी स्ट्रक्चर है सिंगल स्ट्रक्चर, यानी आरएनए केवल एक कुंडलित होता है शुगर फास्फेट बेस के ऊपर, और ऐसे तीन तीन की फॉर्म में क्या बनते जाते हैं यहाँ, कोडोन्स, जिससे निर्माण होता है प्रोटीन का। बॉडी में 21 प्रकार के प्रोटीन की नीड होती है, 9 ऐसे हैं जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती और 6 को सीमित मात्रा में बना सकती है, और 6-11 आवश्यक हैं। ठीक, अब कुछ ऐसे फॉर्म भी होते हैं आरएनए के जो कोडोन अर्थात कोडिंग, जो कोडिंग प्रक्रिया चल रही है प्रोटीन की, उसमें भाग नहीं लेते, उन्हें कहते हैं एमआईआरएनए, माइक्रो आरएनए और एसआईआरएनए, स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए। ये हमारी बॉडी में ही होता है, इट प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, और ये क्या करता है, एमआरएनए जो आदेश आ रहे हैं डीएनए से प्रोटीन निर्माण के, आरएनए के पास प्रोटीन सिंथेसिस के, उन्हें क्या करता है, ब्रेक करता है और डिग्रेड करता है, इससे जो हमारी जीन गतिविधियाँ हैं वो प्रभावित होती हैं। एमआईआरएनए कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड, एकल, इस प्रकार की स्ट्रक्चर का होता है।
जबकि आरएनए क्या है, स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए, इसे SHRNA भी कहा जाता है। ये वायरस से मिलता है, जब वायरस हमारी बॉडी में टूटता है कोरोना आरएनए, तो वो छोड़ता है इस प्रकार के आरएनए को, जो हमारे जनों कर देता है साइलेंट। फेफड़ों का काम है श्वास लेने में सहायता करना, अलग अलग फंक्शन करवाना, अब इसने वो सब क्या कर दिया है, साइलेंट, अब वो सही से काम नहीं कर पा रहा है, हमारे फेफड़े चोक होते जा रहे हैं और हम मरते जा रहे हैं। कैसा है ये ऐसा मॉलिक्यूल है डबल स्टैंडर्ड्स। तो हमने जाना क्या है बेसिक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, क्या क्या बेसिक्स इसमें इस्तेमाल होते हैं, कौन DNA है, कौन RNA है, कौन क्रोमोसोम से क्या जीन होता है। अब चलते हैं इससे आगे, अब चलते हैं टॉपिक में आगे। हमने पढ़ा DNA के बारे में, RNA के बारे में। अगला पॉइंट है कुछ वायरस ऐसे हैं जो DNA बेस भी हैं, RNA बेस भी हैं, और वर्तमान में बहुत सुर्खियों में है कोरोना कारण से। तो जानते हैं वायरस क्या होते हैं और COVID-19 किस प्रकार से वर्क कर रहा है, किस प्रकार का वायरस है। तो विषाणु, सिंपल शब्दों में वर्ड खुद बता रहा है, विषाणु जहर का अणु, यानी बैक्टीरिया के पास अपना DNA कोई अनुवांशिक सूचना आदि नहीं होती, लेकिन वायरस के पास DNA स्ट्रक्चर होती है, जो घातक से ट्रीट करना बहुत मुश्किल है। दो चीज़ें होती हैं, होता है क्योर, कोई समस्या आपको थी, आप पूर्णतः ठीक हो गए तो आपने क्योर कर दिया, और एक होता है ट्रीटमेंट, अर्थात अब समस्या ठीक नहीं हो पा रही है, आप उसे रोकने का, उसे दबाने का, उसके प्रभाव को कम करने का प्रयास कर रहे हैं, ट्रीटमेंट। तो बात करते हैं वायरस की। वायरस मुख्यतः दो प्रकार के हैं, DNA वायरस और RNA वायरस। तो जो DNA वायरस होते हैं, क्योंकि DNA के जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सटीक है, एकदम एग्जैक्ट, तो इनकी जो नेचर है वो कैसी, एकदम एग्जैक्ट नेचर, और एग्जैक्ट नेचर है और DNA वेल डिफाइंड है हर पर्सन में। तो जीनोम कैसे होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ DNA, तो इनके जीनोम बड़े होते हैं, जीन से मिलकर बने हुए स्ट्रक्चर, तो सटीक प्रकृति होती है और जीनोम बड़े होते हैं। RNA में जो प्रकृति है वो कैसी होती है, त्रुटि प्रवण, अर्थात इनमें बड़ी मात्रा में एक दूसरे की रेप्लिका बनाना, RNA के अंदर त्रुटि हो जाना। इनके जीनोम बहुत छोटे होते हैं, रेप्लिका कैसे होते हैं, ये सिंगल स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं और डबल स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड एंड डबल स्टैंडर्ड। ये कैसे होते हैं, डबल स्टैंडर्ड, अर्थात DNA स्ट्रक्चर तो द्विकुंडलित फॉर्म की ही होगी, ये सिंगल भी हो सकते हैं और ये डबल भी हो सकते हैं, क्लियर। अब जो DNA वायरस होते हैं, इनकी सूचनाएं केंद्रक में अर्थात DNA में होती हैं संग्रहित, और इनकी सूचनाएं इन्फॉर्मेशन इन न्यूक्लियस और DNA, इन्फॉर्मेशन इन साइटोप्लाज्म, क्योंकि RNA होता है कहाँ है, कोशिका द्रव्यों में, तो जिनकी सूचना इन्फॉर्मेशन है वो भी कहाँ होंगी, साइटोप्लाज्म में। ये अपने आप को रेप्लिकेट कहाँ करते हैं, द्विगुणित, अपनी संख्या बढ़ाते हैं केंद्रक के अंदर, और ये कोशिका द्रव्यों में संख्या बढ़ाते हैं जहाँ रहते हैं, रेप्लिकेट इन साइटोप्लाज्म। इनकी उत्परिवर्तन दर कम है, अर्थात ये बहुत कम होते हैं म्यूटेट, क्योंकि DNA जब अपने आप की संख्या बढ़ाता है तो इन्हें सिस्टमेटिक मैनर और बहुत वेल मेंटेन वे में उसकी कोडिंग में गड़बड़ होने के चांस बहुत कम होते हैं, इसीलिए इसमें कम उत्परिवर्तन होता है, यानी DNA की स्ट्रक्चर में जो चेंज हैं वो इसमें कम होता है, इसीलिए स्थिर DNA होते हैं। क्योंकि RNA की जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, हाई म्यूटेशन रेट, यानी इसमें परिवर्तन बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर कोई वायरस मेरे DNA मेरे RNA से मिलेगा तो रेप्लिकेट किसी और तरह से करेगा, किसी और के से मिलेगा तो और तरह से करेगा। अगर खसरा होगा सबको होगा, तो खसरा सबको एक जैसा होगा, ठीक, प्लेग सबको एक जैसा होगा, यानी कुछ चीज़ें सारे मानव जाति पे एक तरह से प्रभाव डालेंगी, एक तरह के सिम्टम देंगी, लेकिन कुछ क्या होंगी, बहुत तेज़ से रेप्लिकेट होंगी, आप में वो सिम्टम कुछ कम, मेरे में वो सिम्टम बहुत ज़्यादा, उससे अधिक किसी और में, किसी में कोई सिम्टम नहीं है, यानी हाई म्यूटेशन रेट, हर दूसरी बॉडी में जाते ही ये अपने आप को चेंज करती जाएगी। जैसा हम कहाँ देख रहे हैं, चूँकि कोरोना एक RNA वायरस है, तो ये वुहान का वायरस कुछ और है, न्यूयॉर्क का कुछ और है, इटली वाला कुछ और है, इसमें बहुत सारे क्या हो रहे हैं, म्यूटेशन, इसीलिए RNA वायरस को अस्थिर वायरस या अनस्टेबल वायरस भी कहा जाता है, जो बहुत तेज़ी से अपनी चीज़ों को बदलता रहता है। अब ये दो प्रकार के होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड एकल कुंडलित और डबल स्टैंडर्ड द्विकुंडलित, या तो प्लस, प्लस को बोलते हैं सेंस,
क्या जिस भी आरएनए के पास प्लस साइन होगा उसे सेंस बोलेंगे, और क्या मतलब होगा, इस प्रकार के आरएनए वायरस अपनी प्रत्यावर्ति स्वयं बना लेंगे विदाउट एनी हेल्प ऑफ डीएनए, यानी यह रेप्लिकेट करवाता है जेनेटिक मटेरियल स्वयं से ही विदाउट द एनी हेल्प ऑफ एमआरएनए, एमडीएनए, एमआरएनए और डीएनए। नेगेटिव, ये अपनी प्रतिकृति एकदम से नहीं बना सकता है, इसे अपनी प्रतिकृति या रेप्लिका बनाने के लिए क्या एमआरएनए की सहायता लेनी पड़ेगी, ये वाया डीएनए के ही अपनी बना सकता है प्रतिकृति। तो जो प्लस वायरस होंगे वो ज़्यादा खतरनाक होंगे, जिनमें डीएनए का रोल कम होगा और वो केंद्रक के बाहर भी अपने आप को रेप्लिकेट कर लेंगे। ऐसे एग्जाम्पल्स ले लेते हैं इनके, ये पैरोवायरस है, हर्पीस वायरस है, पेपिलोमा वायरस है, एक्सेट्रा डीएनए वायरस है, ठीक है, इनका ट्रीट करना इजी है एज कंपैरिजन टू आरएनए वायरस, चेचक, दाद इत्यादि, ठीक। लेकिन कुछ आरएनए वायरस जो बहुत खतरनाक है, रेट्रो वायरस, कोरोना, कोविड-19, एड्स, एचआईवी वायरस, इबोला, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सार्स, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम मर्स, हेपेटाइटिस सी, ये सब एग्जाम्पल्स हैं किसके, आरएनए के। तो अब बात करते हैं किसकी, कोविड-19 की, कि इसी में सुर्खियों में फिलहाल कौन चल रहा है, कोरोना वायरस। तो ये कोरोना वायरस कैसे वर्क कर रहा है और ये है क्या, जिसकी हम बात कर रहे हैं वर्ड आया है क्राउन से, तो क्राउन लाइक स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसे नाम दिया गया है कोरोना का, ताज रूपी स्ट्रक्चर। और ये एक एनिमल वायरस है, और बाल्टीमोर एक साइंटिस्ट हुए हैं, डेविड बाल्टीमोर, उन्होंने जो वायरस क्लासिफिकेशन किया है वो 6 कैटेगरी में किया है, और 6 में जो चौथी कैटेगरी है उस कैटेगरी का कौन है, कैटेगरी 4 से आता है डेविड बाल्टीमोर की, बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस 1970 में, जिसके लिए उन्हें मिला नोबेल प्राइज़। और ये वायरस 50 से 200 नैनोमीटर का है, एक्सट्रीमली स्मॉल। इसके बाहर एक ताज है क्राउन, और इसके ऊपर एक लिपिड या वसा की परत है। तो इसे अगर हमें दूर करना है तो हम इस वसा की परत को पानी से या सामान्य चीज़ों से दूर नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें कोई भी साबुन, कोई भी हैंड वॉश, सैनिटाइज़र अगर लगा दें तो ये परत एकदम टूट जाती है और ये एकदम से साफ हो जाता है, यानी वसा की परत टूटते ही ये इनएक्टिव हो जाता है। किसी भी वायरस को जिंदा रहने के लिए किसी होस्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो अब ये जैसे ही वायु के माध्यम से व्यक्ति के माध्यम से किसी भी रूप में ट्रांसमिट होगा, एक से दूसरे में संक्रमित होगा, तो जैसे ये संपर्क में आएगा सांसों के, तो हमारे लंग्स के अंदर जो सेल्स हैं, हर सेल्स के अंदर न्यूक्लियस है, लाइसोजाइम है, तो ये जैसे ही हमारे संपर्क में आएगा तो हमारा रिसेप्टर इसे रिसेप्ट करेगा, और हमारे अंदर एक एंजाइम है, एक प्रोटीन है विशेष रूप से, क्या एंजियोटेंसिंग कन्वर्टिंग एंजाइम सेकेंड, ACE2, एंजियोटेंसिंग कन्वर्टिंग एंजाइम सेकेंड, ये इसे रिसेप्ट करता है, और ये विशेष प्रोटीन है जो BP कंट्रोल करता है और लंग्स में काम करता है, और जैसे ये लंग्स में हमारे एक्टिवली काम करना शुरू करता है तो तुरंत ही अब हर कोशिका का एक मेन काम है, जैसे ही अंदर गया तो अंदर जाते ही हमारी हर सेल में एक हमारी सेफ्टी लाइन है, जिस सेफ्टी लाइन का नाम है लाइसोजाइम या लाइसोसोम। इसका काम यह है बाहर से आने वाले पैथोजन को एकदम से तोड़ना, ब्रेक करना। तो जैसे ही ये वायरस अंदर गया तो इसे एकदम से तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद इसकी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पार्ट्स सेल साइटोप्लाज्म के अंदर फैल गए। अब चूंकि ये कैसा है, कोरोना वायरस एक प्लस, अर्थात प्लस सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है, और जैसी इससे क्रिया करेगा तो अब इसे केंद्रक में जाके अपनी रेप्लिका बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये विदाउट एनी हेल्प ऑफ न्यूक्लियस इट कैन रेप्लिकेट, और ये अपनी प्रति बना सकता है। इट कैन यूज साइटोप्लाज्म राइबोसोम, ये कोशिका द्रव्य के प्रोटीन का इस्तेमाल कर सकता है और नए नए प्रोटीन बना सकता है। चूंकि आरएनए काम क्या है, आरएनए काम है प्रोटीन निर्माण करना, तो बहुत सारे प्रोटीन निर्माण हो रहे हैं डीएनए के गाइडलाइंस के अनुसार, जिनकी हमारी बॉडी में ज़रूरत है 20 या 21 टाइप्स के।
अब वो बॉडी में अलग अलग इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जिनका इस्तेमाल हम नहीं करते, अगर वो प्रोटीन बन जाएंगे तो वो पैदा कर देंगे टॉक्सिक इफेक्ट और हमारे ऑर्गन्स काम करना बंद करना शुरू कर देंगे। तो जैसे ही ये हमारी बॉडी में गया और लाइसोजाइम ने इसे तोड़ दिया, तोड़ने के बाद ये साइटोप्लाज्म में फैल गया और इसने आरएनए पॉलीमरेज का उपयोग करके अर्थात प्रोटीन का उपयोग करके नए नए प्रोटीन पैदा करने शुरू कर दिए। ये खुद को रेप्लिकेट करना शुरू करता है और हमारी बॉडी के अंदर ऐसे प्रोटीन पैदा करता है जिसका हमारे यहाँ कोई उपयोग नहीं है, जो टॉक्सिक इफेक्ट पैदा करते हैं और हमारी बॉडी और हमारा इम्यून सिस्टम उसके सामने बैठता जाता है। अगर हम मजबूती से काम करें, हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा हो, तो हम इसे क्योर कर लें, कोई दिक्कत ही ना हो। इससे पहले क्या ये वायरस की जो हिस्ट्री है वो इस प्रकार की है। एक वायरस आया सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम 2002 में। ये तीनों ही वायरस फैले हुए हैं कहाँ? चमगादड़ से। चमगादड़ से आया सीविट में एक बिल्ली नुमा जानवर के अंदर और वहाँ से मनुष्य के अंदर पहुँचा, क्योंकि एनिमल वायरस है। ऐसा ही एक सिंड्रोम आया और बड़ा क्रिटिकल होके इससे भी, वो भी चमगादड़ से फैला, लेकिन कहाँ? चमगादड़ से कहाँ आया? ऊँटों में। और ऊँटों से कहाँ पहुँच गया? व्यक्तियों तक। चूँकि ये मिडिल ईस्ट में आया था इसीलिए नाम क्या पड़ गया? मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम 2012 में। कहाँ? ये कैमल से आदमी तक पहुँचा, चमगादड़ से बैट से कैमल, कैमल टू मैन और ह्यूमन। जो COVID-19 है वो भी सेम स्ट्रक्चर का वायरस है। ये भी चमगादड़ से, चमगादड़ के साथ में पेंगोलिन, पेंगोलिन के साथ में कोबरा और ऐसे जीवों के माध्यम से कहाँ? जो वुहान की स्ट्रीट फूड थी, बहुत सारे जानवर, सी फूड्स, बहुत सारे अन्य जानवर, उनके जो खाए जाना उनका सूप इत्यादि, इनसे बड़ी मात्रा में कहाँ पहुँच गया? ये ह्यूमन में। और इसकी डेथ रेट, इसका एक्सपेंशन रेट बहुत भयंकर है और ये बहुत तेज़ी से कहाँ फैल रहा है? बॉडी में, जो पूरा वर्ल्ड देख रहा है। और आदमी का जो इम्यून सिस्टम है उसे चोक करता जा रहा है। जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, जो यंग पर्सन्स हैं, हेल्दी हैं, वो इसे ट्रीट करने में सफल हो जा रहे हैं। हमारी बॉडी ही समाधान कर सकती है, वैसे कोई समाधान नहीं है। दुनिया भर के साइंटिस्ट अलग अलग प्रकार के आरएनए वायरस और उनकी डाइवर्सिटी को लगातार चेक कर रहे हैं, उन पर रिसर्च जारी है, लेकिन ट्रीटमेंट बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल क्या है? आपने भारत वाले आरएनए को ट्रीट किया जो यहाँ पर बड़ी मात्रा में मिल रहा है, क्योंकि ये जिस भी आरएनए में घुसता है उसे कर देता है म्यूटेट, उसका रूप बदलता है। तो इस कोविड वायरस के बहुत सारे अलग अलग फॉर्म हैं, इसकी रेप्लिका है, वुहान के लिए अलग, इंडिया के लिए अलग, इटली के लिए अलग, न्यूयॉर्क के लिए अलग, यानी इसके रूप लगातार बदल रहे हैं। ये अपनी शेप और साइज को लगातार बदल रहा है, अर्थात ये बहुत बड़ी मात्रा में अपनी रेप्लिकाज बना रहा है और नई नई प्रकार की प्रोटीन और समस्याएं पैदा कर रहा है, जिन्हें ट्रीट करना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। हमने देखा क्या होते हैं वायरस और कैसे, इनमें डिफरेंस क्या है, और कोरोना के बारे में थोड़ा ब्रीफ डिटेल हमने ली। अब देखते हैं आगे इससे। अब बढ़ते हैं आगे। UPSC की डेट अभी डिक्लेयर हुई है, 4 अक्टूबर को एग्ज़ाम है और सबको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है, और बायोटेक्नोलॉजी और समस्त विज्ञान प्रौद्योगिकी से कम 10 से 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, जो पिछले 4 साल का ट्रेंड कम से कम एक ऐसे मिलने वाला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, वो पेंडेमिक हो, महामारियों को लेके हो, बायोटेक्नोलॉजी को लेके हो, स्पेस को लेके हो। तो प्री में, एसए में और मेंस एग्ज़ाम में इसकी एक बड़ी भूमिका है। हमारी ये कोशिश है मैं इसे बिल्कुल ईजिएस्ट वे में लेके आए, ताकि आपको बुक्स या नोट्स की आवश्यकता ना पड़े और मैं मैक्सिमम चीज़ों को आपको अवेलेबल करा दूँ बहुत कम टाइम में ही। यही मेरा प्रयास है, कमी रह जाए तो आप सुझाव दीजिएगा, हम सुधार का प्रयास करेंगे। चलते हैं आगे। अब अगला पॉइंट है इसी में ही, जैव प्रौद्योगिकी पीढ़ियाँ, द जेनरेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी की अब तक सन 2020 तक 4 पीढ़ियाँ हुई हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन। तो पहली बार ये चीज़ें जैव प्रौद्योगिकी की सिर्फ मानव अनुभव पर आधारित थी, मानव अनुभव यानी ह्यूमन एक्सपीरियंस, कि हमें जानकारी थी कि दूध कैसे खट्टा हो रहा है, ये चीज़ें कैसे हो रही हैं, शराब कैसे बन रही है। तो ये जो ह्यूमन एक्सपीरियंस थे, इन्हीं के बिहाव पे ही बायोटेक्नोलॉजी की या इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रारंभिक पीढ़ी स्टार्ट हुई सन 1800 में या 19th century के आसपास। और इसमें सबसे पहले एथेनॉल बनाया गया 1815 में, इथेनॉल बना गे लुजेक के द्वारा, और फर्मेंटेशन इसका आविष्कार हुआ लुई पाश्चर के द्वारा, यानी इसकी खोज हुई, न आविष्कार बल्कि खोज हुई 1857 में लुई पाश्चर ने।
यानी इसने जर्म लाइन थेरेपी जीवाणुओं के बारे में अध्ययन करके पता लगाया कि ये कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे दूध से दही बन सकती है, क्या है फर्मेंटेशन प्रोसेस एट्सेट्रा, इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये ह्यूमन एक्सपीरियंस के बेस पे थी पहली पीढ़ी। दूसरी पीढ़ी 1880 में स्टार्ट हुई। सूक्ष्म जीवों का विकास, इसमें हमने छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाना शुरू कर दिया फॉर इंडस्ट्रियल यूजेज, औद्योगिक उपयोग के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट फॉर इंडस्ट्रियल यूजेज। जैसे हमने बनाया लैक्टिक एसिड 1881 में, जैसे हमने खमीर ईस्ट बनाना शुरू कर दिया 1896 में, एसीटोन एट्सेट्रा। इसके बाद आई थर्ड जनरेशन 1928 में, जिसमें बहुत बड़ा आविष्कार हुआ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन का आविष्कार किया और उन्हें इसके योगदान के लिए 1945 में नोबेल प्राइज दिया गया, जहाँ से नई संभावनाएँ पैदा हुई। 1949 में एसिटिक अम्ल बना, 55 में साइट्रिक एसिड बना और 1920 में एक और बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई, नोबेल प्राइज मिले, जिसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया 1920 में। क्या आविष्कार था वो, कि इंसुलिन का आविष्कार किया जो डायबिटीज़ है वो कंट्रोल करता है, हमारे पेनक्रियाज से बनने वाला इंसुलिन, अब वो बना दिया गया बाहर ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म के माध्यम से, फेडरिक बेंटिंग और चार्ल्स बेस्ट के द्वारा टोरंटो यूनिवर्सिटी में, अंडर द लीडरशिप ऑफ जॉर्ज मैकलॉयड, इन्हें मिला संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार। ठीक, तो तीसरी पीढ़ी बहुत महत्वपूर्ण थी, जिसने नई संभावनाओं के द्वार खोल दिए और बहुत से असाध्य रोगों को दूर करने के लिए इसे एक टूल बना दिया। अब चौथी पीढ़ी जो वर्तमान में चल रही है बायोटेक्नोलॉजी की, जिसमें सबसे बड़ा आविष्कार हुआ 1953 में, जब खोज की डिस्कवरी की वाटसन और क्रिक ने, किसकी, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की, और इस स्ट्रक्चर को अच्छे से डिफाइन किया, जिसके लिए इन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार दिया गया, नोबेल प्राइज 1962। और इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लस जेनेटिक इंजीनियरिंग, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लस जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये मिल के काम कर रही है, और जीन थेरेपी, स्टेम सेल्स, एआरटी, क्लोनिंग, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं, जिसने असाध्य रोग, अल्जाइमर, पार्किंसंस, इन सब के दूर करने के रास्ते खोज दिए हैं, अर्थात नई संभावनाओं का द्वार खोल दिया है एग्रीकल्चर में, एनवायरनमेंट में, हेल्थ सेक्टर में, हर चीज़ में, और ये नई ऊंचाई पर पहुंच रही है। बढ़ते आगे अब देखते हैं इंडिया और वर्ल्ड में बायोटेक्नोलॉजी का क्या फ्यूचर है और क्या मार्केट चल रही है। अब देखिए जैव प्रौद्योगिकी का भारत और विश्व में क्या मार्केट है और क्या फ्यूचर्स चल रहे हैं इसके लिए। फिलहाल ग्लोबल बायोटेक मार्केट यानी संपूर्ण विश्व का जो बायोटेक का बाज़ार है वो 2025 तक 770 बिलियन डॉलर का होगा, जिसकी वार्षिक वृद्धि एनुअल ग्रोथ रेट भी कितनी है 10%, और इसमें जो इंडिया का शेयर है वो केवल 3% है अभी, जिसमें बहुत संभावनाएँ हैं, ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़, और इंडिया के रैंक विश्व की 12वीं सबसे बड़ी बायोटेक मार्केट के रूप में है। बायोटेक डिपार्टमेंट की स्थापना भारत में 1996 में हुई और इंडिया में 2019-20 में इस जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जो कारोबार या मार्केट शेयर इसका हुआ वो 52 बिलियन डॉलर का हुआ, 52 बिलियन डॉलर्स, और जो एनुअल ग्रोथ रेट है इंडिया की वो कितनी है 14.7%, जिसका लक्ष्य रखा गया है जो बायोटेक्नोलॉजी मिशन है उसके माध्यम से 2025 तक 100 बिलियन डॉलर करने का, और इसके लिए भारत सरकार ने 100% FDI अलाउ कर दी है, यानी इस क्षेत्र में 100% FDI को अनुमति दे दी गई है। अब जो ये भारत में 52 बिलियन डॉलर कारोबार होता है 2019-20 में और वृद्धि लगभग 15% के आसपास है, इसमें दो सेक्टर बहुत बड़े हैं, एक तो बायोफार्मा यानी दवा बनाना, जैविक दवाइयाँ, और बायो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, इनका योगदान 55% और 22% है। अब देखते हैं आगे कि कौन कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल हो रही हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, जैसे क्लोनिंग है, स्टेम सेल्स हैं एट्सेट्रा। अब अगले भाग में चलते हैं बायोटेक्नोलॉजी के और देखते हैं कि बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिसका इस्तेमाल होता है बायोटेक्नोलॉजी में, और उसमें पहली टेक्निक है क्लोनिंग। तो क्लोनिंग क्या टेक्निक है, क्लोनिंग क्या है, अपना प्रतिरूप बनाना, यानी अपनी रेप्लिका बनाना। तो कैसे,
नेचुरली ये तो माता पिता कर रहे हैं, लेकिन वो प्रतिरूप नहीं है, उसमें भिन्नताएं हैं अलग अलग रूप में। यदि केवल एक माता पिता से, केवल एक जनक से मेल या फीमेल से बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हम अपनी प्रति बनाते हैं तो उसे क्लोनिंग कहते हैं। विदाउट एनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इफ वी जेनरेट ए न्यू एंटिटी बाई ओनली मेल और फीमेल और एनी सेल इज नोन एज क्लोनिंग। यानी बिना किसी अलैंगिक जनन के, बिना सेक्सुअल एक्टिविटी के, केवल एकमात्र माता पिता से कोई संतान प्राप्त करना या कोई प्रतिरूप बनवाना, उसका नाम क्या है? क्लोनिंग। जो दो प्रकार की होती है, जीन क्लोनिंग और रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। तो जीन क्लोनिंग क्या है? हमने ये जाना कि बॉडी बनी है ऑर्गन से, ऑर्गन बने हैं टिशू से, टिशू बने हैं सेल से, सेल बना है डीएनए से, डीएनए बना है क्रोमोसोम से, क्रोमोसोम की जो यूनिट है, फंक्शनल काम करने वाली इकाई, उसका नाम है जीन। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग करके हमने क्या बना लिए? बहुत छोटे सूक्ष्म जीव बना लिए। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग करके हमने बहुत छोटे क्या बना लिए? सूक्ष्म जीव। अब वो सूक्ष्म जीव हमें बड़ी मात्रा में चाहिए, तो हमने क्या कर दिया? उनके क्लोन बनाने शुरू कर दिए। तो यदि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग करके हम कोई सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं और फिर करते हैं उनकी क्लोनिंग, उनका मास प्रोडक्शन करते हैं, तो उसे कहते हैं हम जीन क्लोनिंग या मोलिकुलर क्लोनिंग। जो मोलिक्यूल क्या करता है? क्लोन्स। जैसे हमें इंसुलिन के लिए चाहिए इस प्रकार के सूक्ष्म जीव जो इंसुलिन पैदा करा दें, तो हमने उसके लिए क्लोनिंग की। बीटी कपास हमें बीज चाहिए बड़ी मात्रा में, एक फसल में तो हमने ये काम करके देख लिया एक बीज में। अब ऐसे हजारों लाखों करोड़ों बीज हमें चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं? एक बार जीन से चेंज करके बहुत छोटा सूक्ष्म जीव बनाया और उसका उपयोग करके हम क्या कर रहे हैं? ऐसे हजारों जीव बना रहे हैं, ठीक। तो उसे कहते हैं हम क्या? जर्म क्लोनिंग या मोलिकुलर क्लोनिंग। दूसरा क्या होता है जिसके लिए फेमस है, वो ज़्यादा बड़ी मात्रा में ये चीज़ है, उपयोग बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है बीटी कॉटन का भी, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। ये क्या है कि इसमें हम इस्तेमाल करते हैं SCNT का, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र, सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक। क्या है टेक्निक? जो हमारी देहिक कोशिकाएं हैं, इनसे कोई नया जीव पैदा नहीं हो सकता कि मेरी त्वचा से कोई दूसरा मेरे जैसा व्यक्ति पैदा हो जाए। तो उसके लिए एक नई तकनीक है ये, जो डेवलप की है क्या? डॉक्टर इयान विलमुट, रोजलिन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्कॉटलैंड के साइंटिस्ट हैं, रोजलिन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्कॉटलैंड। इन्होंने सोमेटिक सेल अर्थात देहिक कोशिकाएं, वो त्वचा से ले ली, वो कान से ले ली, किसी बॉडी पार्ट से ले ली, उस कोशिका को क्या कर दिया? मान लिया हमने कोई एक कोशिका ली है ए, जिसका हमें क्लोन बनाना है। तो हर सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। तो हमने इस सेल को दो पार्ट में तोड़ लिया, न्यूक्लियस अलग कर लिया और एक एम्प्टी सेल अलग कर ली। अब किसी फीमेल सेल के माध्यम से हम ये काम कर सकते हैं, अर्थात कोई फीमेल सेल ही इसे रिजेनरेट कर सकती है। तो हमने क्या किया? फीमेल सेल के अंदर से उसका न्यूक्लियस निकाल दिया, तो फीमेल खाली सेल और यहाँ न्यूक्लियस निकाल दिया किसका? एक उस सेल का जिसका हमें क्लोनिंग करनी है। और अगले स्टेप में हमने दोनों क्या कर दिए हैं? कंबाइन, अर्थात जिसका क्लोन बनाना है उसका न्यूक्लियस हमने कहाँ डाल दिया? एक फीमेल एम्प्टी सेल में, इसमें सब कुछ है, साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सब कुछ है। जैसे वो हमने डाल दिया, तो हमारे पास अब दोहरा अवसर है, या तो हम किसी क्लिनिक में डेवलप करें इसे क्लिनिकली डेवलप, या क्या किसी माता गर्भ में रख दे और वो इसकी उत्पत्ति करे, सैरोगेट मदर, किराई कोक आदि के माध्यम से, क्लियर। तो इस प्रकार के जो क्लोनिंग हैं, जिसमें हम केवल किसका इस्तेमाल करते हैं? सोमेटिक सेल, देहिक कोशिकाओं का, अगर उससे क्लोनिंग करते हैं तो कैसी क्लोनिंग है वो? रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग्स। और ये आविष्कार किसने किया है? SCNT का, सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र। इसका न्यूक्लियर कहाँ कर दिया? ट्रांसफ़र एक खाली सेल में फीमेल के, और उसे क्लिनिक में डेवलप किया, या कि सरोगेट मदर के ओवम, यानी कि उसके गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर दिया, तो वहाँ जन्म हुआ किसी भी संतान का। तो संतान कैसी होगी? उस संतान को हम बोलेंगे क्लोनिंग, बिल्कुल प्रतिरूप जो का त्यों हर चीज़। तो इसे कहते हैं SCNT, जो इयान विलमुट ने डेवलप की है, रोजलिन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्कॉटलैंड में,
और 1996 में उन्होंने सबसे पहली बार ये सफल प्रयोग किया और एक भेड़ सिप डोली नाम की एक भेड़ विकसित की, जिसका अनाउंसमेंट उन्होंने 1997 में किया, जो 2003 में मर गई फेफड़ों और पैरों के रोग के कारण से। क्यों मरी, क्या कारण थे, इन्हीं बातों ने इस पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने शुरू कर दिए। और दो बातें सामने आई, क्या कि किसी भी व्यक्ति की एज दो प्रकार की होती है। एक एज तो कैसी है, एक एज जब उसका जन्म हुआ उस एज का नाम होता है बायोलॉजिकल एज, जन्म से। अर्थात अगर किसी की एज फिलहाल 32 वर्ष है तो अर्थात उसका वर्ष जन्म 32 वर्ष पूर्व हुआ था तो उसकी आयु आज 32 वर्ष है। लेकिन किसी के जीन को अगर किसी की आयु 80 वर्ष हो चुकी थी, किसी की आयु 80 वर्ष हो चुकी थी, आपने उसकी कोशिका ली तो उसकी कोशिकाओं की जो स्थिति है और उसकी कोशिकाओं की जो आयु है वो 80 वर्ष है, तो उस जीन ने जो उसकी बॉडी में है कितनी आयु जी ली है, ये जीन की आयु है। हो सकता हो कोई 80 वर्ष का व्यक्ति हो और आप उसकी सेल ले रहे हो, ठीक। तो दो प्रकार की एज होती हैं, एक जिसकी सेल आप ले रहे हैं उस जीन की आयु कितनी है, ठीक, और दूसरा वो जब जन्म लेगा उसकी आयु तब से कितनी है। तो अब क्या होगा, मान लिया उस भेड़ का जीन जो हमने लिया वो पहले ही 20 वर्ष जिया हुआ था और 20 वर्ष बाद भेड़ की जो अवस्था थी हमने उसका जीन लिया और उस जीन से एक नई भेड़ पैदा करी हमने क्लोन के रूप में। तो अब 20 वर्ष के जीवन में उस भेड़ को जो बीमारियां लग गई वो उसके जीन में चली गई। अर्थात अगर मुझे कोई त्वचा रोग हो जाए तो वो मेरे जीन में होगा, अगर मुझे HIV हो जाएगा तो वो मेरे जीन में होगा, और अगर मैं उस जीन से कोई सामान बनवाऊंगा तो वो उसके जीन में ट्रांसफ़र हो जाएगा, और वो रोग जो मुझे 80 वर्ष की आयु में आया था वो किसी नई संतति को जन्म से ही हो जाएगा। ये समस्या कहाँ हो गई, डोली भेड़ को। अर्थात इसने दो बातें जन्म दी कि एक जीन कैसा हो, जीन स्वस्थ हो, अगर जीन की दिक्कत होगी तो जीन की आयु भी और जीन की समस्याएं भी कहाँ हो जाएंगी, ट्रांसफ़र आने वाली पीढ़ी में। तो एक जीन ने कितनी आयु जी ली है उसकी आयु, और एक जन्म से आयु, जेनेटिक एज एंड बायोलॉजिकल एज। आगे बढ़ते हैं, तो इस क्लोनिंग के क्या फ़ायदे नुकसान हैं, व्हाट इज द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ क्लोनिंग, मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ क्लोनिंग। तो कुछ फ़ायदे हैं क्लोनिंग के, क्या स्पेशल प्रकार के टिश्यूज हम पैदा कर सकते हैं, स्पेशल टिश्यूज वो पेड़ पौधों में काम आ सकते हैं, वो जीवों में काम आ सकते हैं, स्पेशल ऑर्गन्स हम उसका निर्माण कर सकते हैं, और अनक्यूरेबल डिजीज असाध्य रोग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो असाध्य रोग हैं उन्हें ठीक करने में ये बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। दूसरा जो कैंसर चिकित्सा है इसमें इसका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, कैंसर ट्रीटमेंट के अंतर्गत, अर्थात एक बहुत बड़ा योगदान है कैंसर ट्रीटमेंट में अगर हम क्या कर दें इसका उपयोग, जो कोशिकाओं की जो वृद्धि है उसे कंट्रोल कर दे कैंसर ट्रीटमेंट में, इसके माध्यम से जो संकटपन प्रजातियां हैं जीवों की और पेड़ पौधों की हम क्लोनिंग करके उन्हें बचा सकते हैं, जीन क्लोनिंग से भी और सोमेटिक जीन थेरेपी से भी, सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर तकनीक के माध्यम से भी। अर्थात हमारे बहुत सारे जीव क्या होने वाले हैं, विलुप्त, उन्हें बचा सकते हैं। साथ ही मोलिकुलर क्लोनिंग से हम बहुत सारे प्रोटीन, इंसुलिन, इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोलिकुलर क्लोनिंग से हम अलग अलग प्रकार के इंसुलिन, बहुत सारे प्रोटीन डेवलप कर सकते हैं, जिससे न्यूट्रिएंट वैल्यू, हमारा जीवन, लाइफ क्वालिटी सब अच्छी हो सकती है। जड़ी बूटियों के इस्तेमाल में बड़ा इस्तेमाल होगा, अर्थात हम उत्तम क्वालिटी वाले जेनेटिक प्रोडक्ट, बायो प्रोडक्ट पैदा कर सकते हैं इसके माध्यम से। तो क्लोनिंग उन सब में, पेड़ पौधों में, जीवों में असाध्य रोग दूर करने में, नए प्रोटीन और न्यूट्रिएंट पैदा करने में, जड़ी बूटी बनाने में, संकटपन जीवों को बचाने में, जिनका अब मेल फीमेल नहीं बचा और केवल एक ही जीव बचा है उनको बचाए रखने में ये बहुत योगदान दे सकती है। लेकिन कुछ नेगेटिव फैक्टर्स भी हैं, कैसे फैक्टर्स हैं, इसके दुरुपयोग की संभावना है। अर्थात डोनाल्ड ट्रंप का कोई कानून बना दे, नरेंद्र मोदी का कोई कानून बना दे तो उसके दुष्प्रभाव बहुत बड़े स्तर पर हो सकते हैं, यानी पूरी कंट्री के लेवल पर इम्पैक्ट पड़ सकता है और पूरे विश्व के लेवल पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसीलिए ह्यूमन क्लोनिंग को पूरे वर्ल्ड में बैन कर दिया गया है, अर्थात मानव क्लोनिंग को संपूर्ण विश्व में बैन किया गया है। इससे ह्यूमन टेररिज्म सुसाइड बॉम्बर आदि लोग पैदा कर लेंगे, बड़े बड़े आतंकवादी गुट, उनके पास धन संपदा इकट्ठी है। दूसरा सोशल चैलेंजेज, अगर कोई व्यक्ति अपने किसी जानने वाले का किसी भी रूप में क्लोन करवा लेता है
यदि कोई व्यक्ति अपने पिता का क्लोन करवा ले और उसके पिता अब उसके सामने पैदा हों, तो अब वो अपने बच्चे की तरह उसे पाले, पिता की तरह उसे पाले, कि पिताजी रो रहे हैं, पिताजी की शादी करवानी है, ये सब सामाजिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं कि हमने क्लोन पैदा करवा लिया किसका, किसी व्यक्ति का, अति प्रिय का, माता पिता का, किसी संपन्न व्यक्ति का, किसी का भी। तो फिर उसके जीवन में जो सामाजिक समस्या खड़ी होंगी कि मैं शादी कराऊँ अपने पिताजी की जिन्होंने मेरी कराई, मैं उन्हें पालूँ, सम्मान पिता की तरह दूँ, बेटे की तरह दूँ, तो ये सामाजिक समस्याएं खड़ी हो सकती हैं क्लोनिंग को लेकर। दूसरा क्या होगा, जैविक आयु और आनुवंशिक आयु के बीच की समस्या, अर्थात जीन की जो इतनी लंबी आयु हो चुकी है उसके अंदर जो समस्याएं विद्यमान हैं वो बचपन से ही किसी में जा सकती हैं, इसीलिए जैविक आयु और आनुवंशिक आयु के बीच की समस्या और इसकी त्रुटियां यानी जेनेटिक डिसऑर्डर्स की समस्या हो सकती है। दूसरा, क्लोनिंग की जो सक्सेस रेट है वो 10% है, यानी इसमें सक्सेस रेट बहुत ही कम है। और दूसरा, अगर हम ऐसी क्लोनिंग करवाते हैं तो ये क्या किराए की कोख से पैदा हुए बच्चे के प्रति माता की संवेदना इतनी अच्छी नहीं हो सकती या नहीं होती हैं, तो इसीलिए उसके प्रति भावनात्मक लगाव, उसका पालन पोषण समस्या खड़ी कर सकता है किसी भी जीव के लिए। और इट कैन आल्सो हार्म द सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोसेस, और यह है सतत विकास की प्रक्रिया को बाधित करता है। तो क्लोनिंग क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी बिना लैंगिक जनन के नए जीव को प्रतिरूप के रूप में बनाना केवल एक माता पिता या केवल एक जनक से। इसमें हम पैदा करते हैं छोटे सूक्ष्म जीव और उनके बनाते हैं फिर प्रतिकृतियाँ यानी रेप्लिकास, और यहाँ बनाते हैं हम क्या केवल दही कोशिका लेकर उसका क्लोन करते हैं। एक फीमेल सेल में एक न्यूक्लियस लेते हैं, क्लोन करना है उसे रखा और क्लोनिंग कर दी। यह डेवलप किसने किया, डॉक्टर यान विलमुड, एक साइंटिस्ट जिन्होंने सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक डेवलप की है और डोले नाम की भेड़ पैदा की है। लेकिन डोले भेड़ में बचपन से क्या आ गई, समस्याएं, और वो बहुत कम केवल 7 साल ही जी पाई। कुछ समस्याएं थी और कुछ इसके फायदे थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट टेक्निक की ओर, जैसे अगली टेक्निक क्या है, भारत में देखते हैं क्लोनिंग में क्या क्या कर रहा हमने फिलहाल अभी। भारत में क्लोनिंग में NDRI का एक बहुत बड़ा योगदान है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। 2007 करनाल में इन्होंने एक कार्यक्रम भारत में शुरू किया, अर्थात NDRI ने 2007 में भारत में क्लोनिंग स्टार्ट की, और 2009 में गरिमा नाम की भैंस, 2009 में गरिमा नाम की भैंस का क्लोन तैयार किया, अर्थात सफलतापूर्वक पहला काम किया। दूसरा, पश्मीना बकरी 2012 में, पश्मीना बकरी जिसके बड़ी मात्रा में फेमस सोल वगैरह बनते हैं जम्मू कश्मीर में, क्लोन बनाया किसका, नूरी नाम से, नूरी नाम से पश्मीना नाम की बकरी का क्लोन नूरी के नाम से। 2014 में जंगली भैंसा का क्लोन बनाया, जंगली भैंसा जो संकटक प्रजाति है, और दीपासा, दीपासा के नाम से जो जंगली भैंसा है उसका क्लोन बनाया जो एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है, संकटग्रस्त प्रजाति। 2015 में कीर्ति, 2015 में कीर्ति नाम के भैंस से अपूर्वा और स्वरूपा, अपूर्वा और स्वरूपा नामक दो क्लोन बनाए गए। ये सब काम कौन कर रही है, NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा, करनाल हरियाणा जो क्षेत्र में लगातार नए प्रयोग कर रही है। इनके माध्यम से हम पशुओं के दूध में वृद्धि, देश के दूध उत्पादन में वृद्धि और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड भी इसमें प्रयासरत है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टेक्निक की, आगे चलते हैं, अब देखते हैं स्टेम सेल्स, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी क्या है।